हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाइड्राइड डोनर को लेके। तो देखिए, जब मैंने रिएजेंट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि हाइड्राइड डोनर जो है मेरे पास वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर वो हाइड्राइड डोनर जो कि न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं। और दूसरे मेरे पास होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर जो मेरे पास हाइड्राइड आयन डोनेट तो करते हैं, लेकिन उनका नेचर कैसा होता है, इनिशियली मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। यानी कि वो हाइड्राइड डोनर मेरे पास कैसे देखने को मिलेंगे, मुझे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देखने को मिलेंगे। बात करूं मैं न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर की, तो न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर मेरे पास कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट रिड्यूसिंग रिएजेंट की बात की थी जो कि हाइड्राइड डोनर होते हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ा था, सोडियम बोरोहाइड्राइड पढ़ा था। इसमें क्या क्या पढ़ा था हमने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड पढ़ा है, जिंक बोरोहाइड्राइड पढ़ा है मैंने, लिथियम बोरोहाइड्राइड पढ़ लिया इसके अंदर हमने। और मेरे पास जो सोडियम बोरोहाइड्राइड के जो डेरिवेटिव हैं, दैट इज NaBH OAC का होल थ्राइस, इसको हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है। और इसके अलावा मेरे पास मैंने NaBH4 प्लस CeCl3, इसको भी हमने पढ़ लिया है। और मेरा जो न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर है जो एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग रिएजेंट, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर को लेके, कि मेरे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर है वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, क्या मैकेनिज्म इनका होता है, और किस तरीके से ये सामने वाले सब्सट्रेट को रिड्यूस कर सकते हैं, और कौन से सब्सट्रेट को मेनली रिड्यूस करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे पास डिफरेंट कार्बोनिल सब्सट्रेट की जो मुझे देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे पहले मेरे पास आता है एसिड क्लोराइड, उसके बाद मेरे पास आता है एल्डिहाइड, उसके बाद मेरे पास आता है कीटोन, उसके बाद मेरे पास आता है एस्टर, एस्टर के बाद मेरे पास आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद मेरे पास मुझे देखने को मिलते हैं अमाइड। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ पर ऐसी है, कुछ इस प्रकार है कि मेरे जो न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो न्यूक्लियस लविंग होते हैं। जितनी ज्यादा न्यूक्लियस की डेंसिटी मेरे पास होगी, मेरे सबस्ट्रेट के पास, उतना ही फास्ट रिएक्ट कर सकते हैं। और मुझे पता है सबसे ज्यादा न्यूक्लियस की डेंसिटी मेरे पास जिस कार्बन के पास है, वो मेरे पास एसिड क्लोराइड का कार्बन है, उसके बाद एल्डिहाइड है मेरे पास, फिर कीटोन है। और जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ मेरी जो सबस्ट्रेट है इसकी जो मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, इस सबस्ट्रेट की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी कि इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन को चाहने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो रही है। और यहां तक आते आते मेरे पास मीजोमेरिक लगना इफेक्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, इलेक्ट्रॉन को चाहने की जो टेंडेंसी है, वो कंप्लीटली खत्म हो जाती है, ऑलमोस्ट नील टाइप में हो जाती है। नील समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, बस ये मान के चलो बहुत 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 कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये मीजोमेरिक इफेक्ट से दोनों जो मेरे पास एट्रो एटम है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इस कार्बन कार्बन को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर देते हैं। तो मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर है वो हाइड्राइड डोनर जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। तो मुझे आप एक बात बताओ, इन सब में अगर मैं कंपेयर करूं तो कौन से ऐसे सब्सट्रेट हैं जो कि इस इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर को, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग हाइड्राइड डोनर को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि इस हाइड्राइड डोनर को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकते हैं। और मेरा आंसर होगा ये दो, सबसे ज्यादा जो डोनेट कर सकते हैं वो है ये दो। ये दो कैसे, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज मेरे पास है, इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में मेरे पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो उससे बेटर कोई चीज हो नहीं सकती इनके लिए। तो यहाँ पे होगा क्या, मान लीजिए मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे मेरे पास जो हाइड्रोक्सी ग्रुप में जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये यहाँ पर रेजोनेंस में जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास ओ नेगेटिव देखने को मिल जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिला मुझे, O नेगेटिव डबल बॉन्ड OH देखने को मिल गया। ये नेगेटिव डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली ही इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करके इसकी जो इलेक्ट्रॉन को चाहने की जो जो इसकी इच्छा थी उसको कंप्लीट कर देगी, उसकी पूर्ति कर देगी, और ये क्या हो जाएगा, मेरे पास रिएक्शन देखने को मिल जाएगी।
यहाँ पे मेरे पास रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। लेकिन वही मैं बात करता हूँ एसिड क्लोराइड की, वही मैं बात करता हूँ एसिड क्लोराइड की, तो मुझे पता है यहाँ पे मेरे पास जो क्लोरीन है इसका कैसा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। इसका कैसा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। अगर यहाँ पे अब इलेक्ट्रोफाइल आता है तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो प्रेजेंट है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे इसका माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से ये लोन पेयर कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ये थोड़े से ज़्यादा लोकलाइज हो जाते हैं लोन पेयर। और जितना ज़्यादा मेरे पास ये लोन पेयर यहाँ पे रहना चाहेंगे, डोनेट करने की जितनी कम टेंडेंसी होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या हो जाएगा, नाखुश हो जाएगा और कहेगा भाई तू रहने दे, मेरे पास तुम्हारी प्रजाति की और भी स्पीसीज प्रेजेंट है, और भी सब्सट्रेट प्रेजेंट है, मैं उनके साथ जाके बॉन्डिंग बना लूंगा, तेरे बस की बात नहीं है। तो यहां पे मेरे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर है वो एसिड क्लोराइड के ऊपर एक्ट नहीं कर पाते, उनको रिड्यूस नहीं कर पाते, एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं कर पाते, कीटोन को रिड्यूस नहीं कर पाते। जहां पर इनको इनकी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट जो है पूरी होगी, ये उन्हीं के साथ बॉन्ड बनाएंगे, उन्हीं को रिड्यूस कर पाएंगे। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर है ले देके सिर्फ और सिर्फ इन तीन सबस्ट्रेट को ही रिड्यूस करते हैं, इन तीन सबस्ट्रेट को ही रिड्यूस करते हैं। ध्यान से सुनो, जो न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर थे वो सबसे ज्यादा इन तीन सबस्ट्रेट को रिड्यूस कर रहे थे। चाहे कितना ही वीक मैंने रिड्यूसिंग रिएजेंट लिया हो, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर कितना ही वीक हो, इन तीन को रिड्यूस कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इन तीनों के पास जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा थी। लेकिन मैं बात करूं इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर की, तो इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर इन तीन को रिड्यूस कर पाते हैं, क्योंकि इनको यहां पे ऑक्सीजन से क्या मिल जाएगा, इनके पास इनको ऑक्सीजन से यहां पर जो है नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी, अपनी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने का मौका मिल जाएगा। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर है वो इन तीन के ऊपर अटैक करते हैं, इन तीन के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। तो इन तीन के ऊपर अगर अटैक ही नहीं होगा तो ये तीन रिड्यूस भी नहीं होंगे। सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रही है क्या चीज हो रही है यहां पे, क्या चीज नहीं हो रही है? तो अब हम बात करते हैं मेरे पास कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर हैं जो मुझे पढ़ने हैं, और आपको जान के शायद खुशी होगी, सिर्फ और सिर्फ दो ही इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर है जो मुझे पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला मेरे पास आता है BH3, जिसमें सबसे पहला आता है मेरे पास BH3, और दूसरा आता है मेरे पास डाइबल एच, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन वगैरह हमारे पास BH3 वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पास BH3, तो नेम रिएक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पास, रिएजेंट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो BH3 को लेके चलो साथ में, बिल्कुल भी मत छोड़ना BH3 को। और डाइबल एच मेरे पास क्या होता है, डाइबल एच होता है मेरे पास डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यानी कि मेरे पास जो ये इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर है ये कौन सी ही फैमिली का है, बोरोन ही फैमिली का है। कैसे पता चला, एल्यूमिनियम है इसके अंदर। और इसका स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलता है मुझे, इसमें मेरे पास डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड में दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप होते हैं और एक मेरे पास यहाँ पे हाइड्राइड प्रेजेंट होता है, एच प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मेरे पास इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर को बिल्कुल मत भूलो। डाइबल एच मेनली आपको डाइबल एच लिखा दिख जाएगा हर एक क्वेश्चन में, अगर आपको अगर एग्जामिनर को डाइबल एच रिएक्शन करवानी होगी तो डाइबल एच ही लिखेगा। लेकिन मान लो गलती से उसने नहीं लिखा कि ये डाइबल एच है, उसने स्ट्रक्चर दे दिया, फिर आप क्वेश्चन थोड़ा ना छोड़ के आओगे, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, आप इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे कि आपके मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो काम चल रहा है। यहाँ पे आपको हर चीज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इनके मैकेनिज्म को लेके। देखिए, जैसा कि मैंने कल कहा था आपको, जितने भी न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर थे उनका मैकेनिज्म सेम है, उसी तरीके से जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर है उनका मैकेनिज्म हर एक सब्सट्रेट के लिए सेम मुझे देखने को, मैकेनिज्म को लेके। तो मान लीजिए मैंने जो है मैकेनिज्म में कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, और के सामने मैंने क्या किया, BH3 प्रोवाइड कर दिया, बोरेन प्रोवाइड कर दिया। मुझे पता है बोरोन जो है वो कौन सी फैमिली से है, 13th ग्रुप से है मेरे पास, और इसके पास जो है तीन ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन ही बॉन्ड बना पाता है, और तीन ही बॉन्ड बनाने के कारण इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसकी वजह से ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है, जिसकी वजह से ये क्या है मेरे पास, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। और इसी वजह से जब मेरे पास ऐसे रिएजेंट सामने वाली स्पीशीज को रिड्यूस करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर, यानी कि वो हाइड्राइड डोनर जो एच नेगेटिव डोनेट करते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। तो यहां पे होगा क्या मेरे पास, यहां पे जो ऑक्सीजन है ये इधर जाएगा, इधर ओ नेगेटिव बनेगा, और यहां पे जब ओ नेगेटिव बनेगा मेरे पास, तो ये ओ नेगेटिव जो है,
यहाँ पे ये O नेगेटिव जो है वो BH3 के ऊपर अटैक कर जाएगा, BH3 के ऊपर अटैक कर जाएगा और मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे यहाँ पर जो है OH पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और यहाँ पे O B H H और H नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने जो है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो ये अपने पास नेगेटिव चार्ज ही लेगा। इस नेगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्या करेगा, ये हाइड्राइड आयन की फॉर्म में इसको डोनेट करेगा यहाँ पर और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और मुझे क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ओ बी एच टू देखने को मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ओ एच देखने को मुझे मिल जाएगा। जैसे ही मैं वाटर लेके आऊंगा, ये बॉन्ड मेरे पास जो है ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड मेरे पास ब्रेक हो जाएगा और मुझे क्या देखने को मिल जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच देखने को मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे सी एच थ्री सी एच टू ओ एच देखने को मिल जाएगा, या फिर आप कह लीजिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास ये ओ एच देखने को मिल जाएगा, सेम ही बात है। तो इस तरीके से मेरे पास जो मेरे इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर है वो एक्ट करते हैं, ठीक है। और मेरे पास जो बोरेन है, मेरे पास जो बी एच थ्री है, बोरोहाइड्राइड है मेरे पास बी एच थ्री, याद कर लो, जहन में डाल लो, सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड इन दो को ही रिड्यूस करता है, इसके अलावा ये किसी को भी रिड्यूस नहीं कर पाता, ये इवन एस्ट्रो को भी रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो ये याद कर लो कि आपके पास जो बोरेन होता है, बोरोहाइड्राइड होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड को रिड्यूस करता है और किसी को रिड्यूस नहीं करता है। तो मेरे पास जो अमाइड का है वो भी सेम मैकेनिज्म रहेगा जब मैं उसको बोरेन के साथ बी एच थ्री के साथ ट्रीट करूंगा तो, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, आप बी एच थ्री को अमाइड के ऊपर खुद से अटैक करवाना, मैकेनिज्म देखना क्या बन रहा है, तभी मजा आएगा आपको इन क्वेश्चन को करने में। अब एक बार बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर का मैकेनिज्म जो है सेम ही रहेगा, चाहे मैं डाइबल एच ले लूँ चाहे मैं बी एच थ्री ले लूँ। तो एक बार डाइबल एच के साथ और देख लेते हैं हमारे पास कि मेरे पास मैकेनिज्म जो है वो कैसा देखने को मुझे मिलता है। मान लीजिए मेरे पास डाइबल एच में एस्टर है, मेरे पास डाइबल एच जो है साइनाइड को रिड्यूस कर सकता है, तो हम एक बार साइनाइड ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो कि साइनाइड से मेरे पास ये चीज क्यों बन रही है, जब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मेरे पास क्या है, डाइबल एच है, डाइबल एच में मेरे पास क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे मेरे पास ये है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो इस एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक कर देगा और मुझे क्या देखने को मिलेगा, आर सी ट्रिपल एन पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम है और यहाँ पे मेरे पास इस एल्यूमिनियम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने हाइड्रोजन इसने लोन पेयर इसका एक्सेप्ट किया है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्या करेगा, ये हाइड्राइड आयन इसके ऊपर अटैक करवाएगा और यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन के ऊपर, ताकि इस नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो सके। तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, आर सी डबल बॉन्ड एन एल्यूमिनियम और यहाँ पे मेरे पास दो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है देखने को मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी स्टेबलाइज हो गया क्योंकि इसने एच नेगेटिव के फॉर्म में अपना नेगेटिव चार्ज भेज दिया और ये भी स्टेबलाइज हो गया। अब जैसे ही मैं H2O दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से और क्या बनता है, कार्बन डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड बन जाता है मेरे पास, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच देखने को मिल जाएगा। ये एच कहाँ से आया, जब इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया था तो यहाँ पे क्या अटैच हो गया था, हाइड्रोजन ही तो अटैच हुआ था ना, तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल गया, एल्डिहाइड देखने को मिल जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि मेरे पास जो डाइबल एच होता है वो एस्टर को, ठीक है, वो एस्टर के ऊपर अटैक करता है, साइनाइड के ऊपर अटैक करता है, ठीक है, और मेरे पास जो डाइबल एच है वो साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, साइनाइड को वो अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, साइनाइड को वो किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से मेरा जो डाइबल एच है वो अपना मैकेनिज्म शो करता है। आई होप आपको बी एच थ्री एंड डाइबल एच दोनों का मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक टेबल बना लेते हैं मेरे पास कि मेरा जो डाइबल एच है और मेरा जो बी एच थ्री है वो किसको रिड्यूस कर सकता है और किसको रिड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है, और किसको किस में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बी एच थ्री को लेके, BH3 मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही सब्सट्रेट को रिड्यूस करता है, एक मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा मेरे पास अमाइड
दूसरा मेरे पास अमाइड, और यहाँ पे मेरे पास जब मैं यहाँ पे BH3 प्रोवाइड करूंगा, जब मैं यहाँ पर BH3 प्रोवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेरे पास जो अमाइड है वो अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास हम न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर के अंदर देख रहे थे। मेरे पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा और अमाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और वही मैं बात करता हूं जब डाइबल एच की, वही मैं बात करता हूं जब डाइबल एच की, तो मेरे पास डाइबल एच क्या करता है, कार्बोक्स डाइबल एच मेरे पास जो है एस्टर को भी रिड्यूस करवा सकता है, डाइबल एच मेरे पास एस्टर को भी रिड्यूस करवा सकता है, और किस में कन्वर्ट कर देगा एस्टर को रिड्यूस करवा के, एल्कोहल में सॉरी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। उसी तरीके से मेरा जो डाइबल एच है, मेरा डाइबल एच जो है नाइट्राइल के ऊपर भी, नाइट्राइल के ऊपर भी एक्ट कर सकता है, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा ये, इसको भी ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा डाइबल एच, इन दोनों ही मॉलिक्यूल को, डाइबल एच इन दोनों ही मॉलिक्यूल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता है। मेरे पास ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं डाइबल एच के, जिनको आपको याद रखना है। तो ये था मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर, जिसके बारे में हमें बात करनी थी। कल हम ट्राई करेंगे बात करने की कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन को लेके। मेरे पास जब नॉन पोलर सब्सट्रेट गिवन होगा, जब मेरे पास नॉन पोलर सब्सट्रेट गिवन होगा, तो नॉन पोलर सब्सट्रेट के सामने कौन से रिएजेंट यूज किए जाते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए। सो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। इन दोनों ही सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।